गुड मॉर्निंग गर्ल्स, मैं मृदुला चतुर्वेदी आज फिर आपके लिए हिंदी क्लास लेकर आई हूँ। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं आ की मात्रा, आज हम पढ़ेंगे छोटी और बड़ी की मात्रा। कैसे हैं आप सब लोग? स्कूल को मिस कर रहे हैं? मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही है। स्कूल मिस नहीं कर रहे, स्कूल आते हैं, कितनी मस्ती करते हैं, कितनी शरारतें करते हैं, हम लोग भी उसको मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका घर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यहीं से पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं छोटी की मात्रा वाले शब्द। आप लोग निकालेंगे पेज नंबर 26, यह है हमारी मेथा बुक और इसमें हम लोग निकालेंगे पेज नंबर 26। 26 पेज नंबर पर जो छोटी की मात्रा वाले शब्द दिए हैं उनको अब हम रिपीट करेंगे। किसान, डाकिया, चिड़िया, नारियल। किसान, डाकिया, चिड़िया, नारियल। अब उसके नीचे कुछ छोटी की मात्रा वाले शब्द दिए हैं उनको मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करिए। बिल, डलिया, किताब, किशमिश। मिल, बच्चिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बच्चिया? गाय का जो बछड़ा होता है, जो बच्चा होता है, उसे हम कहते हैं बच्चिया। गिलास, गिरगिट। हिल, सरिता, मिठाई, परिवार। सिल, कविता, सिलाई, साइकिल। अच्छा, छोटी ही वाले जो शब्द होते हैं, जो छोटी की मात्रा होती है, वो हम कैसे पहचानेंगे? छोटी की मात्रा बोलने में हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ता है, जैसे बिल, डलिया, किसान, किताब। अब छोटी की मात्रा वाले कुछ वाक्य दिए हुए हैं, अब हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे। हिलमिल कर रहे, गिड़गिड़ा मत, किशमिश खा, चिड़िया मत पकड़, राम नारियल खा, डाकिया आया, माचिस जला, कविता पर, फिर चित्र बना। हिलमिल कर रहना मतलब मिलजुल कर रहना, और गिड़गिड़ाना मतलब किसी से किसी चीज़, जैसे आप लोग करते हैं, आपको आइसक्रीम चाहिए तो आप क्या बोलते हैं अपनी मम्मी को? मम्मी मम्मी प्लीज़ आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम दे दो। तो इसे कहते हैं गिड़गिड़ाना, प्लीजिंग वे में किसी से कुछ मांगना। ठीक है, फिर से रिपीट करें हम छोटी की मात्रा वाले वाक्य। हिलमिल कर रहा है, गिड़गिड़ा मत, किशमिश खा, चिड़िया मत पकड़, राम नारियल खा, डाकिया आया, माचिस जला, कविता पर, फिर चित्र बना। अब हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्द। अब सब लोग निकालिए पेज नंबर 29। ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 29। बड़ी की मात्रा वाले शब्द रानी, मछली, बकरी, छिपकली। पानी, ककड़ी, मकड़ी, करनी। नानी, धरती, छतरी, मछली। चाची, इडली, कहानी, रसीली। तीली, कबाड़ी, कट्टी, सरकारी। नीली, लड़की, गरीब, तरकारी। तरकारी यहाँ पर उर्दू वर्ड है। उर्दू एक लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, तो तरकारी उसी लैंग्वेज का वर्ड शब्द है, उसका अर्थ होता है सब्जी। अब हम बड़ी की मात्रा वाले कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे। रानी की गाड़ी आई। रानी की क्या आई? गाड़ी। रमा सरकारी गाड़ी पर चढ़कर आई। नानी इडली लाई। नानी क्या लेकर आई? इडली। मीरा गगरी ला, चाची दीपक जला कर लाई। गीता रबड़ी खा, बकरी ककड़ी खा, चाची नीली छतरी लाई। ये हमारे कुछ बड़ी की मात्रा वाले वाक्य थे। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा? सी, लुक एट हियर। किताब, यहाँ पर मुझे कम स्ट्रेस लगाना पड़ा, यहाँ पर मुझे कम स्ट्रेस लगाना पड़ा, किताब। मछली, ली के ऊपर यहाँ ली बड़ी की मात्रा, यहाँ पर मुझे स्ट्रेस लगाना पड़ा। बोलकर देखो मेरे साथ, किताब, किताब, मछली, मछली,
मिठाई, यहाँ पर फिर स्ट्रेस नहीं है। कहानी, फिर स्ट्रेस आ गया। नारियल, इमली। तो जहाँ जिन जिस मात्रा में हमें स्ट्रेस लगाना पड़ता है, बड़ी की मात्रा होती है, और जहाँ हम एफर्टलेस बोल जाते हैं, हमें कोई अलग से स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ता, वो छोटी की मात्रा होती है। अब हम लोग क्लास वर्क कॉपी में कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम न्यू पेज निकालिए। सब लोग सबसे पहले न्यू पेज निकालेंगे और ऊपर से फर्स्ट लाइन छोड़ देंगे। ऊपर से फर्स्ट लाइन छोड़कर आप लिखेंगे पार्ट दो, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। क्वेश्चन नंबर वन, डिक्टेशन। डिक्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब अच्छा सुंदर लेखन, ठीक है। पहला शब्द है किताब, सेकेंड वन मछली, नेक्स्ट मिठाई, नेक्स्ट कहानी, नारियल, इमली। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, आप लोग फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। किताब, मछली, मिठाई, कहानी, नारियल, इमली। इसको फर्स्ट पेज पर लिखने के बाद आप अपना पेज पलटेंगे और दूसरे पेज पर आप लिखेंगे प्रश्न और उत्तर, ठीक है। ये लिख लिया सब लोगों ने? हमारा दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टू, जो आप लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न डैश उत्तर। अच्छा, आप लोगों ने एक कलरफुल पेंसिल अपने पास लेके रखी है ना? रेड कलर और ग्रीन कलर को छोड़कर आप कोई भी एक कलरफुल पेंसिल अपने पास रखेंगे और मैं ये जो लाइन खींचती हूँ और एरो बनाती हूँ, ये मार्जिन लाइन के इस तरफ होगा। तो आपको वो कलर पेंसिल से बनाना है। सिर्फ क्या कलर पेंसिल से बनाएंगे? प्रश्न के नीचे ये लाइन और एरो, बाकी सब आप अपनी नॉर्मल ब्लैक पेंसिल से लिखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर वन क्या है? हमें कैसे रहना चाहिए? हमें कैसे रहना चाहिए? अभी आपने पढ़ा ना, हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। हिल मिलकर रहना चाहिए मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमें मिल जुलकर रहना चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, रमा कैसे आई? रमा कैसे आई? आपने पढ़ा ना, कैसे आई थी रमा? सरकारी गाड़ी से। सरकारी गाड़ी में बैठकर आई थी ना, तो क्या लिखना है हमको? रमा सरकारी गाड़ी से आई। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्रश्न नंबर तीन, गीता ने क्या खाया? गीता ने क्या खाया था?
गीता ने क्या खाया? गीता ने रबड़ी खाई थी ना, तो यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे, गीता ने रबड़ी खाई। गीता ने क्या खाया? गीता ने रबड़ी खाई। अब इन प्रश्न उत्तर को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे और आप लोग याद रखेंगे इस बात का कि एक क्वेश्चन एक उत्तर के बाद आपको दो लाइनें हमेशा छोड़नी है। एक क्वेश्चन एक उत्तर लिखेंगे, उसके बाद दो लाइनें छोड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट उत्तर लिखेंगे, फिर उसके बाद दो लाइन छोड़ेंगे। इज़ इट क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। प्रश्न उत्तर, प्रश्न नंबर एक, हमें कैसे रहना चाहिए? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ मैंने हिलमिल कर वर्ड हटा दिया है क्योंकि मिलजुल कर रहना आपको आसानी से याद हो जाएगा। रमा कैसे आई? रमा सरकारी गाड़ी से आई। गीता ने क्या खाया? गीता ने रबड़ी खाई। क्या खाई गीता ने? रबड़ी। आप एक क्वेश्चन एक आंसर जब लिखेंगे और उसके बाद टू लाइंस छोड़ेंगे तो ये आपके तीनों प्रश्न उत्तर सिर्फ एक ही पेज में आएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में खाली स्थान भरो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन, खाली स्थान भरो। ठीक है, पहला क्या है? हाथी विशाल जानवर है। हाथी विशाल, विशाल यानी बहुत बड़ा। हाथी विशाल जानवर है। विशाल के नीचे हमें अंडरलाइन करना है, तो वही जो आपने कलर पेंसिल लेके रखी है इसके नीचे आप उसी पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, निशाने निशाने लीची खाई। निशाने क्या खाई? लीची। नेक्स्ट वन, रीना इमली मत खा। रीना इमली मत खा। फोर्थ इज, रमा नारियल खाओ। नारियल के नीचे हमें अंडरलाइन करना है। फिफ्थ सेंटेंस, डाकिया खत लाया। यहाँ पर फिर से खत जो शब्द है ये उर्दू से आया है, उर्दू लैंग्वेज से खत शब्द को लिया गया है। खत का हिंदी शब्द होता है चिट्ठी। अब एक बार हम फिर खाली स्थान भरो रिपीट करेंगे। खाली
स्थान भरो। हाथी विशाल जानवर है। निशा ने लीची खाई। रीना इमली मत खा। रमा नारियल खाओ। डाकिया खत लाया। आप ये तीनों प्रश्न जो मैंने अभी लिखवाए हैं इसको क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे। हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं उसमें आपको इससे संबंधित एक छोटा सा क्लास टेस्ट दूंगी, आपकी मात्रा से संबंधित और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से संबंधित। चलिए अब हम लोग करते हैं किताब की एक्सरसाइज। आप लोग निकालेंगे पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 1 हमको यहाँ पर दिया हुआ है। इससे रिलेटेड मैंने खाली स्थान भरो आपको कॉपी में लिखवा दिए हैं, फिर भी हम बुक में ये एक्सरसाइज करेंगे। ये बुक में ये एक्सरसाइज इसलिए करेंगे जिससे आपको छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। पहला क्वेश्चन है, चित्रों को देखकर वाक्य पूरे करना है। विनय किताब पढ़। आपको क्या लिखना है? किताब। नेक्स्ट वन, राधिका गिलास ला। गिलास का चित्र बना हुआ है ना, देखो यहाँ पर गिलास का चित्र बना हुआ है, तो आपको क्या करना है? चित्र देखकर नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या हुआ? गिलास। थर्ड वन, मामा मिठाई लाया। मामा क्या लाया? मिठाई। तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? मिठाई। देखो मिठाई का चित्र भी बना हुआ है। हमारा फोर्थ है, रमन नारियल खा। नारियल का चित्र बना हुआ है ना, तो हमारा फोर्थ आंसर क्या होगा? नारियल। फिफ्थ क्वेश्चन है, किरण हिरण मत पकड़। हिरण का चित्र बना हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान का चित्र बना हुआ है। किसान डैश काट। किसान क्या काट? फसल। तो हमारा आंसर क्या हुआ? किसान। नेक्स्ट है, चिड़िया दाना लाई। चिड़िया दाना लाई। चित्र किसका बना हुआ है? चिड़िया का। तो हमारा आंसर क्या होगा? चिड़िया। नेक्स्ट है, डाकिया डाक लाया। देखिए डाकिया का चित्र बना हुआ है। डाक लाया यानी वो हमारे लिए लेटर्स लाता है, चिट्ठी लाता है, पार्सल्स लाता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? डाकिया। डाकिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? आई थिंक सबको पता होगा, डाकिया को इंग्लिश में हम कहते हैं पोस्टमैन। इज इट क्लियर? इसके नीचे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको उदाहरण देखकर चित्र बनाना है। जैसे दया दिया है, आपको क्या लिखना है? दिया। सारे शब्दों के आगे आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है। लक, इसमें हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? लिख। नेक्स्ट है दन, इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे द में तो क्या बनेगा? ये दिन। नेक्स्ट वर्ड इज चत्र, चो में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? चित्र। नेक्स्ट है खल, ख में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये खिल। खिल यानी खिलना, फूल खिलते हैं ना, बोलते हैं फूल खिल रहा है, तो खिल यानी खिलना। सर,
सौ में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? सिर। बल। बौ में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? बिल। बिल याने चूहे का बिल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दल। द में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये दिल। नेक्स्ट वर्ड है गन। अब हमको ग में छोटी की मात्रा लगा के शब्द बनाना है तो क्या बनेगा? गिन। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है पन। अब हमको प में छोटी की मात्रा लगाना है तो प में छोटी की मात्रा लगा के क्या बनेगा? ये पिन। सबने सेफ्टी पिन देखे हैं, पिन तो वो वाले पिन जो आप टाई में लगाते हैं, टाई और टाई में बैश लगाते हैं तो पिन से लगाते हैं ना, यहाँ उस पिन का अर्थ वही है। प में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? पिन। इज इट क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करें। लिख, दिन, चित्र, खिल, सिर, बिल, दिल, गिन, पिन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्या है? ग छोटी की मात्रा, र, फिर ग, फिर छोटी की मात्रा, फिर ट। क्या बना? गिरगिट। गिर गेट। नेक्स्ट शब्द है क, फिर प्लस व, प्लस छोटी की मात्रा, प्लस त, फिर आ की मात्रा। क्या बना हमारा नेक्स्ट वर्ड? कविता। नेक्स्ट इज ब छोटी की मात्रा, फिर ट, फिर छोटी की मात्रा, फिर य, और फिर आ की मात्रा। क्या बना? बिटिया। बिटिया यानी बेटियां, बेटी को प्यार से बिटिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है ड आ की मात्रा, छोटी क छोटी की मात्रा, य और आ की मात्रा। ये क्या बना? डाकिया यानी पोस्टमैन, जो आपके यहाँ चिट्ठियाँ लाता है, आपके पार्सल्स लाता है। नेक्स्ट है प प्लस र प्लस छोटी की मात्रा, व प्लस आ की मात्रा, और र। क्या बनाइए? परिवार यानी आपकी फैमिली। लास्ट वर्ड है सिलाई। स छोटी की मात्रा, ल आ की मात्रा, और ई। तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट वर्ड? सिलाई। इज इट क्लियर? ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम नेक्स्ट पेज निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। शब्दों से वर्णों को अलग करके लिखिए। यहाँ ऑलरेडी शब्दों को वर्णों से अलग कर कर दिया हुआ है, आपको क्या करना है? उसको देखकर सही शब्द बनाने हैं। जैसे चिड़िया, हिरन, माचिस, तकिया और किरण। इस प्रश्न में हमको शब्दों को अलग कर करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 28। चिड़िया। च प्लस छोटी की मात्रा,
प्लस आ की मात्रा, चिड़िया। ठीक है, नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट? हिरन। आप पहले लिखेंगे ह प्लस छोटी की मात्रा प्लस र प्लस ण, ये क्या बना? हिरन। नेक्स्ट है माचिस। माचिस, आप लिखेंगे म प्लस आ की मात्रा प्लस च प्लस छोटी की मात्रा प्लस स, माचिस। नेक्स्ट वर्ड है त किया। त प्लस क प्लस छोटी की मात्रा प्लस य प्लस अ की मात्रा, ये क्या बना? तकिया। नेक्स्ट है किरण। क प्लस छोटी की मात्रा प्लस र प्लस ण, ये क्या बना? किरण। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, चिड़िया, हिरन, माचिस, तकिया और किरण, इन शब्दों से हमने इनकी मात्राएं अलग करी और ये समझा कि ये शब्द कैसे बने। च, च पे हमने छोटी की मात्रा लगाई, च छोटी की मात्रा, र फिर छोटी की मात्रा, फिर य फिर आ की मात्रा, इसी तरीके से हमने सारे शब्दों की मात्राएं अलग कर करके उनको ये सीखा कि शब्द कैसे बने हैं। ह मैं छोटी की मात्रा लगाई, फिर र फिर ण, क्या बना? हिरन। म उसमें आ की मात्रा लगाई, मा, फिर च, च में छोटी की मात्रा लगाई, ची, फिर स, क्या बना? माचिस। ऐसे ही हमने तकिया बनाया, त फिर क फिर छोटी की मात्रा फिर य और फिर आ की मात्रा, तकिया। किरण, क छोटी की मात्रा र और फिर ण, क्या बना? किरण। लास्ट क्वेश्चन है, चित्रों को देखकर उनके कुछ नाम दिए हैं, उन नामों से उनके चित्रों को मिलाना है। जैसे पहला दिया हुआ है क्वेश्चन नारियल, माचिस, सियार, डाकिया, तकिया, विमान, सितार और पिन, इनके आगे उन शब्दों के चित्र दिए हुए हैं, तो आप इन शब्दों से इन चित्रों को मिलाइए। नारियल देखें, नारियल, नारियल कहाँ दिया हुआ है? ये रहा, तो नारियल से आप इसको मिला दीजिए। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है? माचिस। अब माचिस का चित्र कहाँ बनाएं? ये आप माचिस से एक रेखा खींच के, एक लाइन खींच के इसको मिला दीजिए। नेक्स्ट है तकिया, सॉरी नेक्स्ट है सियार। सियार का फोटो कहाँ है? ये रहा, तो आप सियार से इसको मिला दीजिए, एक लाइन खींचिए सियार से लेके सियार के चित्र तक। नेक्स्ट है डाकिया, डाकिया कहाँ है? ये रहा, डाकिया से लेकर आप यहाँ तक एक लाइन खींच दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है तकिया, तकिया का फोटो कहाँ दिया है? ये तकिया से आपको यहाँ तक एक लाइन खींचना है। नेक्स्ट वर्ड है विमान, अब विमान यानि एरोप्लेन, एरोप्लेन का चित्र कहाँ है? ये रहा, आपको विमान से एरोप्लेन तक एक लाइन खींचनी है। नेक्स्ट है पिन, पिन का चित्र कहाँ दिया है? ये पिन से उसके शब्द तक आपको एक लाइन खींचनी है। ये हो गए आपके छोटी की मात्रा वाले शब्दों के पीछे की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों के
कुछ प्रश्न। प्लीज टेक आउट पेज नंबर 3030। 3030 में भी क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण देखकर शब्द बनाना है। कुछ हमको शब्द दिए हुए हैं, उनके ऊपर हमको बड़ी की मात्रा लगानी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको आपकी कॉपी में लिखवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे उदाहरण देखकर शब्द बनाना है। दिया आपको दया दिया हुआ है, उससे दिया शब्द बनाना है, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। हम सेकेंड वर्ड से शुरू करेंगे, गला। ग में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा गीला। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट वर्ड लेंगे टका। ट में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, बनेगा टीका। नेक्स्ट है हरा। ह में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा हीरा। अब नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे कल। क में हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा कील। नेक्स्ट वर्ड लेंगे पट। प में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा ये पीठ। नेक्स्ट वर्ड नल। न में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा नील। नेक्स्ट है जप। ज में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा जीप। नेक्स्ट वर्ड है खर। ख में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा खीर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम, गीला, टीका, हीरा, कील, पीठ, नील, जीप और खीर। ये हमको कहाँ करना है, पेज नंबर 30 पर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। तो अब हम लिखेंगे स आ की मात्रा, थ ई की मात्रा। क्या बनाइए, साथी। क्या बना, साथी। नेक्स्ट है रा आ की मात्रा, न प्लस आ की मात्रा। क्या बनाइए, रानी। नेक्स्ट वर्ड है क आ की मात्रा, सॉरी क ह आ की मात्रा प्लस न प्लस बड़ी की मात्रा। क्या बनाइए, शब्द कहानी। नेक्स्ट दिया हुआ है र प्लस स प्लस बड़ी की मात्रा प्लस ल प्लस ई की मात्रा। क्या बनाइए, रसीली। नेक्स्ट वर्ड है ल प्लस ड प्लस क बड़ी की मात्रा। क्या वर्ड बना, लड़की।
लड़की मीन्स गर्ल। नेक्स्ट वर्ड है ल, बड़ी की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस ध प्लस र, क्या बनाए? लीला धर। लीला धर एक नाम भी हो सकता है और लीला धर हम श्री कृष्ण को भी कहते हैं। हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे इन शब्दों को। पहला शब्द क्या बना? साथी, रानी, कहानी, रसीली, लड़की और लीलाधर। ये हमको कहाँ करना है? पेज नंबर 30 पर। अब हम निकालेंगे पेज नंबर 31। उसमें फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है शब्दों से वर्णों को अलग अलग करना है, ठीक है? तो अब जैसे हमने पहले किया था, अब हम फिर से शब्दों से वर्णों को अलग करेंगे और उनकी मात्राओं को अलग करेंगे, जिससे हम ये सीखेंगे कि शब्द कैसे बने। क्वेश्चन नंबर 4, पहला शब्द दिया है गाड़ी। ग आ की मात्रा प्लस ड प्लस ई की मात्रा, ये क्या बना? गाड़ी। नेक्स्ट वर्ड है सरकारी। सर कारी स प्लस र प्लस क प्लस आ की मात्रा प्लस ई की मात्रा। सरकारी, सॉरी मैंने इसमें र मिस किया, प्लस आ की मात्रा र प्लस ई की मात्रा, सरकारी, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है मकड़ी। म प्लस क प्लस ड प्लस ई की मात्रा, मकड़ी। नेक्स्ट वर्ड है नानी। नेक्स्ट वर्ड है नानी। न आ की मात्रा न प्लस बड़ी की मात्रा, क्या बना? नानी। लास्ट वर्ड है पगड़ी। पगड़ी कैसे बनेगा? प प्लस ग प्लस ड प्लस बड़ी की मात्रा, ये बना पगड़ी। ये आपको कहाँ करना है? पेज नंबर 31। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। गाड़ी, सरकारी, मकड़ी, नानी और पगड़ी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फूलों की उन पंखुड़ियों को रंगिए जिनके शब्द में ई की मात्रा लगी है। इसमें जिन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगी है उन शब्दों को उनको देखना है, आप कहाँ हैं ढूंढिए आप इनको, और उनमें आप अपने पसंद से जो भी कलर आपको अच्छा लगता हो उनको कलर करिए। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो मैं आपको आपकी मात्रा से संबंधित एक छोटा सा क्लास टेस्ट दूंगी। इज इट क्लियर? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। घर पर रहिए, खुश रहिए। मुझे पता है आप लोग सब स्कूल मिस कर रहे होंगे, मैं भी स्कूल मिस कर रही हूँ, इसलिए मैं आज आपको यहाँ पढ़ाने आई हूँ। आइए जल्दी से ये कोरोना ठीक हो जाए और फिर आप लोग स्कूल आइए, हम लोग आराम से पढ़ाई करेंगे और जो आप लोग क्लास वर्क लिख के लाए हैं वो मैं चेक कर दूँगी।
ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, घर में रहिए। थैंक यू।